नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट, मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पेरिस ओलंपिक में भारत की झोली में सिल्वर मेडल। जी हां, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को मिला है सिल्वर। फाइनल में दूसरे राउंड में आपको बता दें 89.45 मीटर का थ्रो फेंका, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो पूरे देश भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं, अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। इस बड़ी जीत में सिल्वर मेडल के साथ ही भारत के मेडल की संख्या ऐसे में अब 5 जा पहुंची है। बड़ी खबर, फाइनल में नीरज चोपड़ा ने आपको बता दी दूसरे राउंड में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका, जिसके बाद नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। पेरिस ओलंपिक से एक बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी भारत के लिए। भारत की झोली में एक बार फिर से सिल्वर मेडल। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को ये मेडल मिला है, और इसके बाद देशभर से बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लगातार उनके परिवार जन जो है खुशी मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है, आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहां पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक एक उस दिन अलग ही उसमें होती है, हर चीज परफेक्ट होती है, जैसे आज अरशद की थी। अपना भी काफी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं, और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम, वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब भी, जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है, और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखे तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रॉन्ज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। हम इस वक्त मौजूद है नीरज चोपड़ा के घर में ही, उनके माताजी और उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद है, और इस जीत की खुशी में वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो है वो खुशियां मना रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि ये जो नीरज के मदर हैं सरोज चोपड़ा, उनको जो उनके और तमाम जो रिश्तेदार हैं वो इस वक्त यहाँ पर खुशियां जाहिर कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ पटाखे चलाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ लड्डू बांटकर खुशियां मनाई जा रही। बात कर लेते हैं इनकी मदर से। सरोज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो आपको। शुभकामना दी आपको भी जी। सरोज जी गोल्ड से चूक गया लेकिन सिल्वर आया, उसको कैसे देखो जी? हमने तो इतने तो उसका गोल्ड रह गया उसकी भी इतनी खुशी है, तो सिल्वर में रह गया हमने सिल्वर की भी इतनी खुशी है जी। दोनों खिलाड़ी हमारे बराबर हैं जी, तो हमने इतनी खुशी है जी। उम्मीद सबको थी, सब टकटकी लगाए बैठे थे टोक्यो वाला एक बार फिर से रिपीट होगा, जैसे टोक्यो में गोल्ड आया था तो पेरिस में भी गोल्ड लेकर आए। नहीं देखने उम्मीद तो थी जी, देखो ये बच्चे का दिन होता है खेलने का, ये तो डलदी पड़दी छा कभी उधर कभी उधर, अच्छा कर गया, हम बड़ी खुशी है जी सिल्वर में। तो जीत अब हो गई है तो कैसे जश्न मना रहे हैं? अच्छी डाल मनाओगे जी, बढ़िया दिन निकलन दे और डीजे बजवाओगे और अच्छा करेंगे, नाच गाना बढ़िया करेंगे। नीरज से क्या बात हुई है मैच जीतने के बाद? नहीं जी अभी नहीं, नहीं बात नहीं हुई। अच्छा, जब बात होगी तो पहला कैसे शुभकामनाएं उसको देगी, क्या बात करें? बहुत अच्छा करे बेटे, बहुत मेहनत करी है, जो सिल्वर भी मेडल हमने गोल्ड बरगा है, तो जो बच्चे मेहनत करके जा रहे थे वो उस तक पीछे रह गए, कैसा लो लिए मेहनत करे।